हेलो एन वर्ग डू माई शो बॉबी द मैच इन आइडल दोस्तों यशराज या फिल्म यानी के टाइगर थ्री लाइट बाई मनीष शर्मा स्टारिंग सलमान खान चुम्मन देवता इमरान हाशमी एंड कैट कैफ के। अब ये फिल्म ने कुछ कल 42 टू फोर्टी करोड़ का कलेक्शन किया फिनिश दैट्स टू अभी फिफ्टी से 42 43 पे आ गई मतलब अभी नीचे आने का शुरू हो गया है और आज सुना है कि मॉर्निंग के नाइन फोर्टी परसेंट शोज कैंसिल हो गए दोस्तों बिकॉज दो जीरो ऑडियंस पर किसी ने एक वीडियो भी भेजा है मुझे पूना से तो वहाँ पर चार या पांच लोग भेजे थिएटर के अंदर अभी लोग बोल रहे हैं कि तो क्रिकेट इसके वजह से ये माहौल है क्रिकेट नहीं होता तो हाउसफुल होती पिक्चर ये कुछ जो छोटे मोटे ये ना अपना क्या बोलते हैं यूट्यूबर्स जो जिनको के आर के बोलते हैं के आर के जी ने उनका नाम रखा है समोसा क्रिकेट या टूरपी का क्रिकेट लेकिन मैं जो ये जो लुख्य क्रिटिक्स है उनका नाम मैंने रखा है कमाटीपूरा क्रिटिक्स तो ये कमाटीपूरा क्रिटिक्स लोग बोल रहे हैं कि ये क्रिकेट की वजह से ये अपना पब्लिक कम है तो ये दूसरों को पता ना एटलीस्ट मुझे तो पता नहीं हिम्मत कि मुझे आपको बता दो सॉलिड रिकॉर्ड दिखाता हूँ आपको बॉलीवुड के हीरो संजय कपूर उनकी फिल्म 1995 में आई थी प्रेम पहली पिक्चर जो डिजास्टर हो गई थी और उसी साल आई थिंक इंद्र कुमार की फिल्म राजा आई थी वो सुपर हिट हुई थी लेकिन संजय कपूर उनके बलबूते पे उनके बलबूते पे सोलो मतलब उन्होंने कोई फिल्म हिट ही नहीं दी थी तो एक उनकी एक फिल्म हिट हुई थी सिर्फ तुम वो वर्ल्ड कप 99 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसकी उसी दौरान रिलीज़ हुई थी वो वो फिल्म और संजय दत्त की एक फिल्म आई थी सफारी जो तिन गोयल ने बनाई थी दोनों फिल्म एक ही दिन रिलीज़ हुई थी अब गूगल चेक में तो गूगल पर रिलीज, रिलीज बराबर बरा नहीं दिखाते तो ये दोनों फिल्में उसी दिन रिलीज़ हुई थी वर्ल्ड कप था पिक्चर हाउसफुल थी सुपर भी हुई संजय कपूर की फिल्म वर्ल्ड कप के टाइम पर रिलीज़ हुई वर्ल्ड कप के टाइम पर दोस्तों एंड सुपर हिट और उस वक्त तो मोबाइल भी नहीं था अभी तो आप फिल्म भी देख सकते हो थिएटर में भी मोबाइल नहीं किया हो मैच भी देख सकते हो टू इन वन देख सकते हो उस वक्त ऐसा कुछ ना उसके बावजूद फिल्म चली थी संजय कपूर की संजय कपूर की फिल्म हाउसफुल जाती तो सलमान खान की फिल्म क्यों नहीं हाउस जा सकती आपको सलमान खान का भी एग्जाम्पल दिखा था उसी वक्त आई थिंक ट्वेंटी एथ मे को रिलीज हुई थी बी वी नंबर वन बी वी बी वी नंबर वन आशु बगनानी जी की डेविड धवन डायरेक्टर थे और जब इंडिया पाकिस्तान वही वो वर्ल्ड कप भी चालू था तो इंडिया पाकिस्तान की मैच थी उसी दौरान जी गैलेक्सी में बी वी नो नंबर वन वॉज हाउसफुल गाई इट तो वॉज हाउसफुल उस वक्त भी तो क्रिकेट था इंडिया पाकिस्तान का मैच गाइस सबसे खतरनाक मैच और उस वक्त बीवी नंबर वन वॉज हाउसफुल हीरो तो सलमान खान ही थे तो ये दूसरों को उल्लू बनाना क्रिकेट का ढोस मेरे को मत देना आई नेवर वॉच क्रिकेट फिर बॉलीवुड एकदम ध्यान से देखो कौन सी फिल्म कहाँ चलती है और क्या क्या रिकॉर्ड सब अपने पास जमा है चेक कर लो आप कौन सी फिल्म नाइन्टी वर, वर्ल्ड कप में रिलीज़ हुई थी अरे संजय कपूर की फिल्म चली थी सिर्फ तुम सफारी फ्लॉप हो गई थी पर संजय कपूर कैन गिव अ हिट ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप टाइम हाउ कैन सलमान खान रन टाइगर थ्रीन इन एम्प्टी थिएटर्स सोचने वाली बात है तो ये कमाटी पूरा की क्रिटिक्स है उनको कुछ पता नहीं दोस्तो। है दोस्तों असली किट इधर बैठा है कि एक रिकॉर्ड निकल के दो अभी तो बहुत रिकॉर्ड निकलने वाले हैं देखो क्या होता है आगे आगे तो ये जो क्रिकेट का फीवर दिखा रहे वो लोग कि इसके वजह से टाइगर थ्री मार खा रही है कुछ मार खा नहीं पिक्चर इसलिए मार खा रही है पिक्चर कचरा इसलिए मार खा रही है और कोई रीज़न नहीं दोस्तों अभी आज आग भी आई थिंक भाव बीच का सब कुछ त्यौहार है आज भाई बहन का अब है तो भाव बीच के टाइम पर ऑडियंस जाती है थिएटर में दोस्तों लेकिन अभी इस खेल ख़त्म हो गया है टाइगर थ्री का अभी धीरे धीरे अब देखते हैं अभी कितनी नीचे आती है ऑलरेडी नीचे तो आ चुकी है लेकिन अभी कल लोग कितना फेक दिखाते वो पता चलेगा लेकिन ये क्रिकेट का ढोस मुझे मत देना क्रिकेट से फिल्म को कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है बॉम्ब्लास्ट होता है ना बॉम्ब्लास्ट उसके दूसरे दिन थोड़ा फ़र्क पड़ता है बाकी आप बोलो किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है जिनको फिल्म देखनी होगी वो देखेंगे जिनको नहीं देखनी होगी वो नहीं देखेंगे दोस्तों मैंने आपको एग्जाम्पल दिया संजय कपूर की फिल्म वर्ल्ड कप के टाइम पे हाउसफुल थी सलमान खान की खुद की फिल्म इंडिया पाकिस्तान की मैच थी वर्ल्ड कप के टाइम पे एंड बी नंबर वन ऑफ हाउसफुल वाशु बग्न की पिक्चर थी डेविड ढोन ने डायरेक्ट की थी गेटी कलेक्शन में लगी थी तो वो हाउसफुल जा सकती है संजय कपूर की फिल्म हाउसफुल जा सकती है तो टाइगर थे क्यों नहीं हो सोचा सकती दोस्तों उसके शो क्यों कैंसिल हो रहे हैं ये सोचने वाली बातें आप लोग सोचिए और मेरा चैनल देखते रहिए बॉबी वक्टर इज वॉइस सिंह गुड बाय ब्लेस यू ऑल